Town is heavy, but I shall bear its weight for you all. करो हमारा ओके सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से डीमन किंग गेमिंग की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तुम लोगों को मेरी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा दबी दबी लग रही होगी, रोज के हिसाब से मैं जोश में नहीं बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि तुम लोगों को पता है मेरे घर में सब लोग सो रहे होंगे और अगर मैं अभी चिल्ला के बोला तो मेरा बोरिया बिस्तर बांध के वो लोग मेरे को घर से बाहर फेंक देंगे, इसलिए बेहतर है मैं बिल्कुल आराम आराम से वॉइस ओवर कर लूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग इस बार के सुपर पास पे नज़र डाल रहे थे, तो हम लोगों को सबसे पहले सुपर पास जो है खरीदना पड़ेगा। उसके लिए तो हम लोगों को यहाँ पे 500 गोल्ड स्टार्स देने पड़ेंगे, जैसे कि तुम लोगों को मेरी आईडी पे अभी 1000 गोल्ड स्टार्स देखे रहोगे, तो हम लोग यहाँ 500 गोल्ड स्टार्स इस सुपर पास को दे देते हैं। उसके बाद हम लोग नई वाली कॉस्ट्यूम भी क्लेम मार लेते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ के चेक करेंगे कि हम लोगों को क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलने हैं, फ्री वालों को क्या रिवॉर्ड्स मिलने हैं और सुपर पास वालों को क्या रिवॉर्ड्स मिलने हैं। तो सबसे पहले तो अगर तुम लोग फ्री के यूज़र हो तो तुम्हें 10वें लेवल पे घोल का मास्क मिल जाएगा। जी हाँ गाइस, पिछले बार के सुपर पास में हम लोगों को स्काउट की कॉस्ट्यूम देखने को मिली थी और इस बार के सुपर पास में हम लोगों को घोल की कॉस्ट्यूम देखने को मिल रही है, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है क्योंकि मेरी कलेक्शन में रोज़ की कॉस्ट्यूम तुम लोगों को पता है कितनी ज़्यादा काम में आती है। खैर उसके बाद अगर हम लोग जाके देखें तो हमें जो है लेवल 20 पर जो है हम जैसे जो अपन सुपर पास वाले यूज़र हैं हम लोगों को कुछ एक पोस्ट देखने को मिलता है और वहीं तुम लोगों को जो है रोल शार्ट देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग आगे पहुंचे तो लेवल 25 पे जो अपने सुपर पास वाले यूज़र हैं उन्हें बैकपैक मिल जाता है अपने लेवल फर्स्ट वाले कॉस्ट्यूम का। उसके बाद अगर हम लोग आगे चल के देखें तो हम लोगों को यहाँ पे जो है लेवल 30 पे हम लोगों को दोबारा से गोल्ड स्टार्स देखने को मिल जाते हैं और जो गरीब वाले होते हैं उनको एक बैकग्राउंड, साथ ही साथ हम लोगों को जो है एक जो है डांस भी देखने को मिल जाता है लेवल 40 पे। ठीक है, लेवल 40 पे हम लोगों को एक डांस देखने को मिल जाता है और अगर तुम लोग फ्री सुपर पास यूज़र हो तो तुम लोगों को घोल की कॉस्ट्यूम का नीचे का हिस्सा भी मिल जाएगा लेवल 40 पे। उसके बाद अगर हम लोग आगे चल के देखेंगे तो हम लोगों को जो है लेवल 50 पे हम लोगों को एक ईमोट मतलब स्टैंड का मिलता है दोनों की। ठीक है, हमारा कुछ तुम्हारा कुछ ऐसा और हमारा कुछ ऐसा, मतलब हमें दोनों ही मिलते हैं। ऊपर से फिर अगर हम आगे चल के देखें तो हमें जो है लेवल 60 पे किलिंग एनिमेशन मिलती है जो कि कुछ इस टाइप की होती है, ये मैंने चैनल में भी तुम लोगों को ऑलरेडी जो एक्सप्लेन मार रखी है। उसके बाद अगर हम लोग और ज़्यादा आगे चलें तो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है लेवल 70 पे बैकपैक अपना सुपर पास की कॉस्ट्यूम का और ऊपर तुम जो हो तो तुम लोगों को ये प्रीमियम वाला बॉक्स मिलेगा। उसके बाद पहले तो मैं अपने नोटिफिकेशन ऑफ करता हूँ। ठीक है, हाँ तो ये मैंने डायनामाइट मोड ऑन कर दिया। अब उसके बाद हम लोग लास्ट में देखें तो हम लोगों को जो है सुपर पास यूजर्स को मिल जाएगी पूरी की पूरी कॉस्ट्यूम्स और जो अपने फ्री वाले यूजर होंगे उनको मिल जाएगा घोल का बैकपैक इस पॉइंट पे। तो हाँ गाइस, ये अपना पूरा का पूरा सुपर पास होने वाला है, तो इस बार तुम लोगों को घोल की कॉस्ट्यूम मिलने वाली है। वो पिछली बार स्काउट की मिली थी तो इस बार घोल की मिलेगी। बस एक बार के अपने सुपर सस चाइना में ये जो कॉस्ट्यूम है ये लेजेंडरी स्किन है, बट यहाँ पे लोगों ने इसे एपिक में रख दिया है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट अब हम लोग को जो है अपने लॉर्ड का गेम प्ले भी करना है, तो जैसे कि तुम लोगों को पता है कि लॉर्ड एक सॉर्ट ऑफ किंग टाइप का ही रोल है। सो मैं सबसे पहले तो अपनी पूरी की पूरी कॉस्ट्यूम चेंज मान लेता हूँ, जैसे तुम लोग देख रहे हो अभी मैं ये कॉस्ट्यूम पहना हूँ, तो मैं सबसे पहले तो जाऊँगा और रोल अपने लॉर्ड को खरीदूँगा। तो जैसे कि गाइस तुम लोग देख रहे हो लॉर्ड एरिया हमारी शॉप में हम लोगों को लॉर्ड देखने को मिल चुका है, जो कि हम लोगों को टोटल 12,999 रुपीज़ का देखने को मिला है। साथ ही साथ इसकी वॉइस लाइन भी बहुत ज़्यादा तगड़ी है, जो कि ये अब मुझे तो इसकी वॉइस लाइन बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो मैं यहाँ पे से गोल्ड अपने जो है कुकीज़ से खरीद लेता हूँ लॉर्ड को। और इसी के साथ भाई मेरे अपने सारे रोल्स की कलेक्शन जो है अब तक तो फुल चल रही है और फुल चलती ही रहेगी इन फ्यूचर भी, क्योंकि तुम लोगों को पता है गाइस अभी हार्ट अटैक से थोड़ा सा उभर कर आया हूँ, तो कुछ नहीं हाँ ठीक है, कुछ नहीं होगा। तो अभी मैं यहाँ पे तुम लोगों को कॉस्ट्यूम दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो भाई किंग अपने लॉर्ड का गेम प्ले हम लोग जा रहे हैं निकालने, तो पूरा एक रॉयल वाले लोग हम लोग लेके जाएंगे। तो सर पे मैं यहाँ पे ताज पहन लेता हूँ सबसे पहले, तो उसके बाद मैं चाह रहा हूँ मैं सुपर पास की कॉस्ट्यूम पहन लूँ जो 2 सीजन पहले आता उस वाले सुपर पास की, जो अपना क्रिसमस वाले सुपर पास आता नहीं है, हाँ तो हम इस वाले सुपर पास की कॉस्ट्यूम पहन लेंगे और सर पे इसके ताज पहन लेंगे, जिससे हमारा पूरा रॉयल लुक आएगा अपना लॉर्ड वाला। उसके बाद हम लोग चलेंगे लॉर्ड का गेम प्ले निकालने। तो चलो गाइस अब हम लोग चलते हैं अपने लॉर्ड के गेम प्ले की ओर।
तो गाइस जैसे कि मैंने यहाँ पे लोड का कार्ड लगा ही लिया था और इसने पूरे मेरे को 5 मैच बाद लोड बना भी दिया एक गेम प्ले में। मैंने मतलब गेम जब चालू करा तो मेरे को लोड का जो है नाइट तो बना दिया था लोगों ने, बट मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी क्योंकि मेरे फोन में अभी स्पेस नहीं है, बहुत सारे गेम प्लेस मेरे पास पड़े हैं ऑलरेडी। सो अब मैं यहाँ पे बन चुका हूँ तुम्हारा लोड। अब बेसिकली लोड रोल जिसको नहीं पता मैं तुम्हें बता दूँ, इसके जो है हमारे पास और भी कई सारे खुलासे हुए। सबसे पहला खुलासा तो ये कि अपना लोड जो है दो बंदों को नाइट बना सकता है और इसकी जो एबिलिटी का नाम है इसका नाम है बेस्टियो। अब इस बेस्टियो एबिलिटी के चलते लॉर्ड के अगर कोई बंदा के लॉर्ड को मारेगा तो लॉर्ड की जगह लॉर्ड का नाइट मारेगा, ठीक है। दूसरी बात, लॉर्ड का जो नाइट होगा वो बंदा मीटिंग में 2 वोट्स डाल सकता है। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी, बट मैंने शायद तुम्हें पहले ये बताया था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ऐसा कर सकता है, बट ऐसा नहीं है, वो बंदा हर मीटिंग में 2 वोट्स डाल सकता है। जी हाँ गाइस, हर मीटिंग में 2 वोट्स डाल सकता है। तो तुम लोग खुद ही जान लो कि कितना ज़्यादा तगड़ा होने वाला है अगर तुम एक लॉर्ड के नाइट बन दो। दूसरी बात, अगर तुम्हारा लॉर्ड मतलब तुमने नाइट्स बना दिए और तुम मर जाते हो किसी तरीके से, ठीक है, जैसे मान लो ब्लैक जैक ने तुम्हें गैस ले लिया या फिर स्वापर ने तुम्हें स्वाप मार दिया या फिर हंटर ने तुम्हें हंट कर दिया, तो उसी पॉइंट पे गेम खत्म हो जाएगा। वाइड भाई ने मीटिंग क्यों बिठाई पहले तो ये बताओ, मेरा गेम में ध्यान नहीं था बिल्कुल भी, मैं तुम लोगों को रोल एक्सप्लेन कर रहा था, इतने में वाइड भाई ने मीटिंग बिठा दी। तो गार्डनर जहाँ पे हम लोग खड़े थे ना, जहाँ पे हम लोग खड़े थे स्टार्टिंग में, उसी के ऊपर में थोड़ा देख लो, मैंने कैमरा लगा दिया है, ठीक है। हाँ लगा दिया मैंने, एक आया था, एक ही आया था मेरे पास चार्ज, जो लगा चुका हूँ। अच्छा ठीक है वाइट भाई, मैं समझ गया तूने कैमरा लगा दिया, तू अपना सिक्योरिटी, ठीक है। मैंने रेड को अपना नाइट बना दिया, रेड थम्स अप दिखा दे, मैंने तुमको नाइट बना दिया, ठीक है। अच्छा तू कैफेटेरिया का मेंट फोड़ा, अच्छा ठीक है, रेड अपना प्लम्बर है, ठीक है, रेड अपना प्लम्बर है, रेड को प्लम्बर मार्क कर लो और अपना ये जो वाइट है इसको सिक्योरिटी मार्क कर लो, मेरे को लॉर्ड मार्क कर लो। और रेड भाई अब तू मेरी बात सुन, जिस भी बंदे को वोट डालेंगे ना तो वोट 2 वोट डालियो, ठीक है। तू अब हर मीटिंग में 2 वोट डाल सकता है, तो एक काम कर तू 2 वोट डाल के दिखा। अरे भाई गेम में कोई शेरिफ है तो मेरे को आओ, मेरे को मार दो, मैं डॉक्टर हूँ, रिवाइव दे दूंगा। 2 बंदे आ जाओ, एक शेरिफ होगा मेरे को मारेगा, मैं रिवाइव करूंगा मेडवे की तरह, आ जाओ किसी को भरोसा, इस मीटिंग के बाद में मारना मुझे, मरोगे उस बंदे रिवाइव। नहीं ये एक बात बताओ, ये ऑरेंज मुझे क्यों बोल रहा है, मैं तो ये क्या बोलता है पर्पल भी, अब मैं तो ये ऑटो ठीक कर रहे थे इडियट, आगन कहीं का मैं हैकर हूँ, ठीक है, मैं एकदम बाहर वाला था। मैं जब राजा का मतलब गार्निक रेट एक्टिस हो जाऊंगा ना, तो मीटिंग बुला लो, ठीक है, मेरे को मालूम है इम्पोस्टर कौन है, अभी के लिए वेलो को फेंक दो, जब मैं गार्निक रेड के साथ अटैच हो जाऊंगा ना तब मीटिंग बुला दो, मेरे को मालूम है एक इम्पोस्टर कौन है, अभी के लिए वेलो को फेंक दो। अबे बाप का मालिक, ये तो मैं शरीफ हूँ लगा तो, ये डॉक्टर ये बोल रहा है पिंक उसके पास ये करो, मैं किल करता, अगर वो मारा तो ठीक है मैं मार कर लेगा, खाली क्यों मार रहे यार, स्किप करो। हेलो पिंक, वो डॉक्टर के इसके सामने खड़ा रहने का, उधर मैं बोल रहा पहले मेरा टाइमर खत्म होने खड़ा रहने। हाँ तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ दोबारा, हाँ अगर तुम्हारे को ब्लैक जैक ने गैस मार दिया या फिर हंटर ने तुम्हें हंट मार दिया या फिर स्वापर ने तुम्हें वोट स्वाप कर दिया, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से तुम लोग गेम मर जाओगे गेम में या वोट आउट हो जाओगे, तो उसी पॉइंट पे गेम खत्म है। जी हाँ गाइस, तुम लोगों को गेम में सर्वाइव होकर रहना पड़ेगा, अगर तुम आते ही सबसे पहला किल होते हो इंपोस्टर का तब गेम आते ही खत्म हो जाएगा। यानी ये लॉर्ड जो है हर बंदे की जो है अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके चलता है और हर बंदे को बलि का बकरा भी बनाता है, यानी इसकी वॉइस लाइन जो है बिल्कुल ही सही मैच करती है। खैर अभी यहाँ से मेरे पे हम यहाँ पे मेरे पे से भी अटैच हुआ तो मैंने यहाँ पे मीटिंग बिठाई और मैंने मीटिंग बिठा के इन लोगों से बोला कि गाइस देखो मैं सेफ हूँ, तुम्हारा मैं लॉर्ड हूँ, ठीक है, ऑरेंज अपना हनी भी हो गया, ठीक है, वाइट अपना सिक्योरिटी हो गया और अपना रेड जो है वो प्लम्बर हो गया क्योंकि उसने वेंट भी फोड़ दिया, तो एक काम करो तुम लोग इस पॉइंट पर ब्लू को वोट करो और अगर ब्लू अपना इंपोस्टर हो उसके बाद हम लोग पर्पल को कर देंगे वरना फिर पिंक को कर देंगे, देख लेंगे कैसे करना, बट अभी ब्लू को वोट कर दो, ठीक है, ब्लू अपना इंपोस्टर है और रेड भाई तू अपने 2 वोट डाल दियो ब्लू के ऊपर। मेरा फेक रोल ही हैकर, ठीक है, मेरा फेक रोल ही हैकर,
और ब्रू ने बोला वो हैकर है, इसका मतलब सिंपल सी बात, ब्रू को वोट करो। तो गाइज हम लोगों ने इस पॉइंट पे ब्लू को वोट आउट करा दिया और ये लोग खुद ब खुद ही हार मान चुके हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि मेरे नाइट्स के पास कितनी ताकत है और वो आखिरकार क्या क्या हरकतें कर सकते हैं। तो मैं अपना दूसरा नाइट यहाँ पे वाइट को बना देता हूँ, और जैसे ही मैंने यहाँ पे वाइट को नाइट बनाया मैं जा रहा हूँ पूरा अपना इलेक्ट्रिकल साइड पर इलेक्ट्रिकल फिक्स कराने, और अगर मेरे को इम्पोस्टर मारेगा तो तुम लोगों को पता ही है कि इनमें से एक बंदा मरेगा, जिसकी वजह से हम लोग दूसरे बंदे को बचत देख लेंगे। तो अभी गाइज यहाँ पे आ चुका हूँ मैं, और यहाँ पे आके भाई मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का सेबोटाज फिक्स करा दिया, और अब मेरे को जाके मीटिंग बिठानी है क्योंकि हमें पर्पल को वोट आउट कराना है, बट इतने में रेड ने खुद ही मीटिंग बिठा ली। अब देखते हैं इस मीटिंग में क्या बकलोली होगी। तुमने मीटिंग की पहली बार और वाइट बंदा सेव पे और गार्निक रेड भी सेव पे, ठीक है। सबसे पहले पर्पल को निकाल दो, पर्पल को निकालो, पर्पल को निकाल। हम लोग वैसे भी मेजॉरिटी में हैं, ठीक है। रेड सेफ है, गार्नेट सेफ है, टू सेफ है, मैं सेफ हूँ, ठीक है। अभी हो गए हम चार बंदे सेफ हैं, और अभी भाई हम लोग कर सकते हैं पांच वोट, पांच या छह वोट कर सकते हैं। पर्पल को फेंकेंगे, उसके बाद पिंक को फेंकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से गेम जीतेंगे। देखो वाइट भाई, हम गेम तो आराम से जीतेंगे, बट फिर भी मैं तुमसे एक बात कह देता हूँ, ठीक है। तुम दोनों जो रेड और वाइट, तुम एक साथ रहो क्योंकि तुम दोनों मेरे नाइट्स हो, ठीक है। मैं इलेक्ट्रिकल फिक्स कराने जाऊँगा, इतने में इम्पोस्टर अगर मेरे को पीछे से किल भी करेगा ना तो क्या होगा, तुम में से कोई एक बंदा मरेगा, और तुम में से जो एक बंदा मरेगा वो डेड बॉडी रिपोर्ट मार देना दूसरे की, उसके बाद हमें पता ही चल जाएगा कि इम्पोस्टर कौन है। बट अभी तुम लोग पर्पल को निकाल दो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्पल अपना इम्पोस्टर है। अगर पर्पल नहीं हो तो फिर तो तुम्हें पता ही कौन है, पिंक अपना इम्पोस्टर होगा, तो फिर देख लेंगे। मैम पोस्ट बताया था, कोई शरीफ आया नहीं मेरी तरह कर निकले अपना, तो अभी मैं वाईफाई चेक कर आ रहा हूँ। मैं शुरू में बताया था आपको, अभी पर्पल को आउट करो, गेम खत्म हो जाएगा सीधा सीधा, नहीं हुआ तो मेरे को निकाल देना। खैर गाइस वही हुआ, हमारे पर्पल को हमने निकाला, पर्पल भाई ने हार भी मान ली थी इसी वजह से, और पर्पल भाई यहाँ पे निकले और हम लोग इस वाली गेम को जीत चुके हैं, और लॉर्ड के साथ तुम्हारा भाई पहले ही मैच में बन चुका है एमवीपी। सो गाइस यही थी आज की अपने लॉर्ड के ऊपर गेम प्ले। अगर वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर तुम लोग चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इस रोल को अच्छे से और भी एक्सप्लेन करूंगा मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना। बाकी मैं हम लोगों तुम लोगों से एक और न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पीस आउट।